आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं देश प्रदेश की उन हस्तियों से जिनका समाज में एक अहम योगदान है, और आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं DIG लखनऊ अखिलेश निगम जी से, जिन्होंने अपना एक अहम योगदान दिया है। अपनी पूरी सर्विस के दौरान जनता के लिए कई काम किए हैं, और एक खास बात यह है कि इनकी रुचि साहित्य में भी है। इन्होंने कई साहित्यिक रचनाएं भी की हैं, जनता के लिए कई अहम योगदान और महत्वपूर्ण काम भी किए हैं। तो उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनके सफर में किन किन बाधाओं का उन्होंने सामना किया, किस तरीके से उन्होंने अपने इस करियर में सफलता हासिल करी है। सर, आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपके परिवार से शुरू करेंगे और जानेंगे कि जो आपका परिवार था उसका योगदान कैसे मिला, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको सिविल सर्विसेज में ही आना है। जी, आपका सबसे पहले मैं प्राइम चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक नमन करता हूं, और मैं शिखा जी को और प्राइम टीवी के सभी जितनी टीम है सबकी मैं आभारी हूं। मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि आप लोग ने मुझे साक्षात्कार के लिए शख्सियत कालम के अंतर्गत चुना। जो आपका यह प्रश्न है, वास्तव में परिवार एक ऐसी संस्था है जिससे किसी भी बीज का सबसे पहले जो है विकास होता है। हर एक व्यक्ति परिवार से सीखता है, वहाँ से संस्कार लेता है, और वही पहली पाठशाला होती है। मेरा भी परिवार जो है परिवार से ही सीखने का वो मिला। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पिताजी अपने, वैसे मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, हैं, रहे हैं, लेकिन पिताजी हमारे जो है पापा सबसे बड़े समाज से भी रहे। उन्होंने जो भी रहा समाज सेवा की प्रेरणा दी है, और उस समाज सेवा के अंतर्गत ही मेरे अंदर भी जो है सिविल सर्विस में आने का मुख्य उद्देश्य ही था कि यहाँ रहकर आम जनता के प्रति ईमानदारी से निष्ठापूर्वक अपनी सेवाओं को दे सकूँगा, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर सकूँगा। आपकी अगर एजुकेशन की बात करी जाए तो वो भी बहुत अलग रही है, बाकी लोगों से अलग रही है, उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे, अगर आप बताएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा दर्शकों की। जी, ये प्रश्न बहुत ही सारगर्भित और प्रासंगिक है। मैं बताऊं कि मैंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से BCom, MCom और LLB किया है, साथ ही CA के पैरेलल डिप्लोमा होता है ICWA हमने कम्प्लीट किया है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि मैं साहित्य में पहले से ही रुचि थी, मैंने सर्विस में रहते हुए MA हिंदी और PhD हिंदी किया है। हिंदी में PhD कंप्लीट हुई, 2010 में मैंने PhD कंप्लीट किया, और साहित्य, समाज सेवा और पुलिस सेवा, ये तीनों ये साथ में चलती रही हैं। मेरा करियर, अगर जो मैं उस ढंग से कहूँ, मेरा करियर एक 3D डायमेंशनल फिल्म की तरह रहा है, समाज सेवा, पुलिस सेवा एंड साहित्य सेवा। तीनों में सामंजस्य कैसे बढ़ाया, पुलिस सर्विसेज में, साहित्य में और परिवार में? ये आपका प्रश्न बहुत से लोग करते हैं कि पुलिस और साहित्य का 36 का आंकड़ा है, लेकिन मैं बताता हूं कि पुलिस और साहित्य का 36 का नहीं बल्कि 63 का आंकड़ा है। अब ये प्रश्न करेंगे कि ये 36 का आंकड़ा नहीं है तो 63 का आंकड़ा कैसे है? बात यह है कि जब मेरे सामने या किसी भी पुलिस अधिकारी के सामने कोई भी व्यक्ति आता है और अपना दर्द लेकर आता है, उसके दिल में दर्द होता है, मस्तिष्क में झंझावात होते हैं, वाणी मूक होती है, बहुत कुछ अपनी व्यथा कथा कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता है, लेकिन पुलिस अधिकारी यदि संवेदनशील है तो वह उसकी व्यथा कथा को, उसके दिल के दर्द को, उसके मस्तिष्क के झंझावात को अच्छी तरह समझ सकता है। उसका प्रत्येक व्यथा कथा ही एक साहित्य है, और वह साहित्य के रूप में सामने आता है। बस यह होना चाहिए कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना संवेदनशील है, कितना हो। तो मुझको जो मैंने कविताएं, कहानियां और जो चीज़ ली हैं, मैंने यथार्थ की भूमि पर लिखी हैं, केवल कल्पना और भावना के आधार पर नहीं। मेरी जितनी भी कविताएं, कहानियां और लेख भी हैं, मैंने यथार्थ की भूमि से ली हैं। उसमें हाँ, भावनाएं और कल्पनाओं को देते हुए
क्या आदर्श स्वरूप होना चाहिए उसके बेस पर मैंने लिखा है। साहित्य की बात करी जाए तो उसमें किस किस तरह के आपने अभी तक लेख लिखे हैं, क्या समाज की बुराइयों को आपने अपने लेख में उतारा है, और धार्मिक, जिस तरह से आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो क्या धर्म से या फिर कहें कि आस्था से जुड़े भी लेख हैं? साहित्य के क्षेत्र में मुझे बहुत सारी सफलताएँ मिली हैं। अभी हाल में ही एक सबसे बड़ी सफलता ये रही है, मेरी गिरगिट कहानी संग्रह की, गिरगिट शीर्षक की कहानी मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़ के MA हिंदी के कोर्स में सेलेक्ट हुई है। यह मेरी बहुत बड़ी मैं सफलता मानता हूँ कि किसी साहित्यकार के जीवित रहते हुए उसकी कविता या कहानी का सिलेक्शन किसी सिलेबस में हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है, मेरी ये बहुत बड़ी सफलता है। मैंने जितनी भी अपनी कविताएँ कहानियाँ हैं मैंने सामाजिक यथार्थ की भूमि से उठाई हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है, व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती हैं और हर तरह की भावनाएं होती हैं, ऐसा नहीं, उसके अंदर ओज होता है, शौर्य होता है तो श्रृंगार भी होता है। ओज श्रृंगार और जो है इसके अलावा यथार्थ की तपती हुई रेत होती है, धूप होती है। तो मेरी जितनी भी कविताएं कहानियां जो कुछ भी रही हैं उसमें ओज भी है, सौंदर्य भी है, यथार्थ की तपती रेत भी है, और मैंने प्रयास किया है कि उन समस्याओं का क्या बेहतर समाधान हो सकता है, उस समाधान को देने का प्रयास किया है। यदि समाधान नहीं दे पाया है तो पाठकों के सम्मुख मैंने प्रश्न रख दिए हैं कि आप लोग स्वयं सोचें और समझें कि इसका समाधान क्या हो सकता है, और उसमें मुझे काफ़ी कुछ सफलताएं भी मिली हैं। ईश्वर में आपकी आस्था भी बहुत है, और अगर बात करी जाए आपकी पोस्टिंग की तो आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई है जो धार्मिक स्थल रहे हैं, तो पहली पोस्टिंग अंडर ट्रेनिंग और जो आपकी मेन पोस्टिंग रही उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। हाँ, मैं बता दूं कि मैं PTC फर्स्ट मुरादाबाद में ट्रेनिंग के बाद अंडर ट्रेनिंग मेरी जो है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, और वाराणसी में भी मुझे CO ज्ञानवापी के साथ जो है लगाया गया था, CO ज्ञानवापी के साथ अंडर ट्रेनिंग। वैसे तो मैं बता दूं कि मेरा पूरा परिवार शिव भक्त है, और CO ज्ञानवापी के रूप में कार्य करने का मौका मिला, काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को देखने को मिली, जो है ईश्वरीय आस्था थी। लेकिन मेरी ईश्वरीय आस्था एक संकुचित दृष्टिकोण से नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है, कणकण में विद्यमान है, हर व्यक्ति में विद्यमान है, वह जड़ चेतन में विद्यमान है, यह भावना परिवार में पिताजी से संस्कारों से, माँ से संस्कारों में मिली थी। अभी भी मैं इस भावना को मानता हूँ कि वह व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, जात विशेष से ऊपर है ईश्वर, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक संरचना चाहे वह जड़ चेतन है वह ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा की गई है। जनता से कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा रहा है, जनता से आपको बहुत प्यार मिला है, बलिया में भी आपको जनता ने खूब सराहा है, काफी प्यार दिया है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो जनता है वो आपसे कुछ भी कहने में डरती नहीं है, आखिर ये माहौल आप कैसे बना पाए? ये बिल्कुल आपका सारगर्भित और प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि जो आम जनता है पुलिस थाने से या पुलिस अधिकारी से मिलने से डरती है, और मैंने ये अपनी पहली पोस्टिंग, मेरी पहली पोस्टिंग बलिया जिले में हुई थी, तो अमूमन जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता था तो अकेले आने की हिम्मत नहीं करता था, एक या दो लोगों को लेकर आता था जो पुलिस के से अक्सर मिलते रहते थे। मैंने इस सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की, मैंने कहा कि मेरी सफलता तभी है जब एक आम जनता, एक ऐसा व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति भी हमसे बेझिझक मिल सके। तो मैंने इसके लिए जो है, जब मैं एज ए DYSP के रूप में, DSP के रूप में पोस्टिंग थी, मैंने हर एक थाने में पुलिस जनता सहयोग गोष्ठी का कॉन्सेप्ट वो किया, प्रारंभ किया। हर थाने में 2 महीने में पुलिस जनता सहयोग गोष्ठी आयोजित करता था, जिसमें हर एक ग्राम प्रधान को बुलाया जाता था, ग्राम प्रधान के साथ उस क्षेत्र के सम्मानित लोग के बुलाए जाते थे और आम जनता को भी। मैं उनसे सीधे फीडबैक लेता था कि आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या समस्याएं हैं, विशेष रूप से जो भी समस्याएं हैं, आपके क्षेत्र में पुलिस कैसा काम कर रही है, आपकी बातों को सुन रही है या नहीं सुन रही है, और आप ही बताएं कि इस क्षेत्र में आपको किस तरह की पुलिस चाहिए, बस आप हमको सहयोग दें। तो इससे ये राहत कि जो एक कम्युनिकेशन गैप था, एक संवादहीनता की स्थिति थी, वो संवादहीनता की स्थिति दूर रही, हमसे आम जनता के लोग अपनी बात कहते थे
और हमको अपराधियों के संबंध में वो सारी सूचनाएं मिल जाती थी जो अन्य लोगों को नहीं मिल पाती थी। और पुलिस सिस्टम पूरा आपका इंटेलिजेंस सिस्टम पर है, सूचना आधारित है, वही पुलिस अधिकारी सफल होगा जिसके पास सूचनाएं अधिक होंगी। जब आम जनता आपको अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना देगी तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जब आम जनता मुझको सूचना देती थी, अतः इसलिए मुझे पुलिसिंग करने में कोई समस्या नहीं रही। अभी तक आपने कौन कौन से पद को संभाला है और जनता के हित में काम किए? मैं बता दूं कि मैं ट्रेनिंग के पश्चात अंडर ट्रेनिंग बलिया वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में रहा। मेरी पहली पोस्टिंग इसके पश्चात प्रशिक्षण के बाद बलिया डिस्ट्रिक्ट में रही, 3.25 साल मैं वहाँ पर रहा हूँ। और बलिया के बाद सीतापुर जिले में रहने के बाद जो है मैं अयोध्या में भी रहा। वहाँ भी मैं सर्किल के साथ कुछ समय के लिए सीओ राम जन्मभूमि भी रहा हूँ। अयोध्या के बाद मैं रामपुर जिले में रहा हूँ। रामपुर के बाद मैं इंटेलिजेंस अभिसूचना विभाग में, अभिसूचना विभाग के पश्चात मेरी पोस्टिंग जो है CBCID में रही और मेरी प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के बाद CBCID SP गवर्नर सिक्योरिटी और एज एडिशनल SP मैं संत कबीर नगर और अन्य जिलों में रहा। इसके साथ मैं DGP का PRO भी रहा हूँ। PRO रहने का श्री विक्रम सिंह साहब उस समय DGP थे, उनका PRO बनने का सौभाग्य मिला। और मैं उसके पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड में एज ए फाउंडर मेंबर के रूप में वहाँ पर रहा हूँ। वहाँ से मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में रहा हूँ, जिसमें मुझे स्पेशली ट्रैप एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता था, जिसमें जो है रंगे हाथ भ्रष्ट अधिकारियों या कर्मचारियों को रंगे हाथ रिश्वत में पकड़ने में वो रहा। वहाँ पर मैंने अनेक ट्रैप एक्सपर्ट के रूप में काम किया और बहुत अच्छे अच्छे ट्रैप्स किए जी। और वहाँ के बाद मेरी ये पोस्टिंग यहाँ पर रही है सहकारिता में, उत्तर प्रदेश ये CBCID का स्पेशल विंग है, तो यहाँ सहकारिता के रूप में और अभी जनवरी में एज ए DIG सहकारिता के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ जी। बड़े ड्राफ्ट करें यानी कि बड़ी पोस्ट और बड़े काम, तो सबसे बड़ी उपलब्धि आप कौन सी मानते हैं, सबसे बड़े ऐसे भ्रष्ट अपराधी को पकड़ना जो आप अपनी उपलब्धि मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि? देखिए, व्यक्ति किस भ्रष्ट अपराधी को पकड़ा या क्या है, इस चीज़ को मैं नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसी एक घटना नहीं है, बहुत सारी हैं जिसमें आम जनता का सहयोग मिला है और इसमें रहा। मेरा मानना है कि जहां जिस परिवेश में जिस क्षेत्र में रहा हूं, मैंने अपना अच्छा से अच्छा बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास किया है। और मैं एक किसी घटना को बता पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। जिस भी पोस्ट में रहा हूँ पूरा मैंने न्याय करने का प्रयास किया है जी। कई प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, वो चाहे नशा मुक्ति हो या फिर नारी सुरक्षा हो, तो इसका आपको जो प्रेरणा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, इसको और बेहतर बनाना, इसमें और उपलब्धि हासिल करना जी, किस तरह से करते हैं? ये आपने प्रश्न किया है कि नशा मुक्ति मेरा समाज सेवा का उद्देश्य रहा है। मैं 2009 में संत कबीर नगर जिले में था, और मैं बता दूं इसका प्रारंभ कैसे हुआ कि हर वर्ष जो है मघर महोत्सव होता था, 7 दिन का मघर महोत्सव। तो जब एक बार कमेटी बैठी थी, हम लोग भी उसके सदस्य थे, जिलाधिकारी थे, तो सामान्य रूप से कमेटी ने जो है मनोरंजन के कार्यक्रम 7 दिनों में रखे थे। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से ये प्रश्न किया कि सर ये बताएं कि इसमें ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जो कबीर के संदेश को ले जाता हो या कबीर के संदेश का वो प्रचार प्रसार करता हो। केवल एक उस समय श्री राकेश मित्तल कबीर जी का जो है कबीर शांति मिशन का एक कार्यक्रम था, उसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं था। तो उन्होंने कहा, अखिलेश आप तो कवि हैं, शायर हैं, और जो है आपके लिए कवि सम्मेलन भी है, मुशायरा है जी। हमने कहा देखिए, मैं यहाँ पर साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इस कमेटी का एक सदस्य हूँ और मघर महोत्सव हो रहा है, 7 दिन का हो रहा है, इसमें कबीर जी की बात को कौन सी चीज़ ले जा रहे हैं। तो कहे अखिलेश क्या होना चाहिए, और लोगों ने प्रश्न किया। तो मैंने कहा कि आज की कार्यक्रम, आज का ये मतलब जो है बैठक जो है स्थगित कर देनी चाहिए, 3 दिन बाद जो है बुलाई जाए और सभी लोग अपने अपने विचार लेकर आए।
तीन दिन बाद डीएम साहब को मेरा सुझाव समझ में आया और तीन दिन बाद फिर दोबारा बैठक बुलाई गई और इस बीच में डीएम और साहब के साथ मेरी कई मीटिंग्स हुई। तो उस कार्यक्रम में जो है तीन चार कार्यक्रम अलग रखे गए, जिसमें पहला कार्यक्रम था सर्वधर्म संभाव सम्मेलन। उस सर्वधर्म संभाव सम्मेलन में स्वामी अग्निवेश जी जो आर्य समाज के वो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे और 15 धर्माचार्यों को एक ही मंच में लाया गया था और सभी लोगों को कहा गया कि आप लोग अपनी धर्म की विशेष बातें बताएं जो इंसान को इंसान के करीब लाती हो, जिसमें कोई कट्टरता ना हो, कोई जो है मजहबी उन्माद ना हो, कोई वो हो। आप समझिए इतना सफल कार्यक्रम रहा कि वो लगभग पंडाल पूरा भर गया था, लोग खचाखच भर गए थे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा। दूसरा कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया था नशा मुक्ति सम्मेलन। नशा मुक्ति सम्मेलन में मैंने ये कहा कि हम स्कूली बच्चों को इनवाइट करेंगे, साथ में उनके प्रिंसिपल और वो जो विभाग के लोगों को भी बुलाएंगे। तो उसमें यह रखा गया कि कोई उपदेश नहीं होगा, कोई भाषण नहीं होगा, सभी लोग सामूहिक रूप से नशा मुक्ति का वो सामूहिक नशा मुक्ति का संकल्प लेंगे। तो पुलिस विभाग से मैंने लिया और मेरे साथ 59 कर्मचारियों ने सामूहिक नशा मुक्ति का संकल्प लिया। अन्य विभाग के लोग आए, स्कूल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्कूल के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उनके प्रिंसिपल और टीचर्स ने किया, उनके बच्चों ने लिया। नशा मुक्ति संकल्प का यदि आप पूछे तो मैं बताऊं नशा मुक्ति संकल्प क्या है। जो मेरा उद्देश्य ये है कि इसमें हर एक व्यक्ति, लोग कहते हैं कि हम समाज सुधार करेंगे, मेरा मानना है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इस पर कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर है। तो हर एक व्यक्ति को मैं प्राइम चैनल के माध्यम से इस संदेश को कहना चाहता हूं कि ये मेरी बात हर एक व्यक्ति को पहुंचे कि अपराध का मूल कारण, महिला उत्पीड़न का मूल कारण, घरेलू हिंसा का मूल कारण नशा है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा शत्रु नशाखोरी है। आज की समाज की अराजकता, वाहन दुर्घटना का मूल कारण नशा है। तो हर एक व्यक्ति ये संकल्प ले और मेरी बात को पहुंचाए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का, कि मैं अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं जीवन में कभी भी दवा में पड़े हुए पदार्थ के अतिरिक्त किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा। और यदि कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है तो यह संकल्प मन में ले कि मैं इतने समय में उसका परित्याग कर दूंगा, धीरे धीरे परित्याग कर दूंगा, साथ ही ना ही किसी को नशीली वस्तु को सेवन के लिए प्रोत्साहित करूंगा, साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों जैसे शादी, जन्मदिन पार्टी या अन्य किसी पार्टी में किसी नशीली वस्तु को पेश नहीं करूंगा। मैं आजीवन इस व्रत का, इस संकल्प का पालन करता रहूं। मैं इस संकल्प का माध्यम से मैं अपनी बात भी कहना चाहता हूं कि एक भविष्य का आधार नशा मुक्त भारत है, भविष्य का आधार है अपराध मुक्त भारत। अपराध मुक्त सोसाइटी तभी हो पाएगी जब नशा मुक्त होगा, महिलाओं को सशक्त तभी होंगी जब नशा मुक्त वो होगा, हमारे विद्यार्थी तभी जो है वास्तव में विद्यार्थी कहलाएंगे जब जितना नशे से दूर रहेंगे। जी, आपने साहित्य साथ साथ सिविल सर्विसेज दोनों में बेहतरीन काम किया है, आपको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, तो सबसे बेहतर जो कि दिल के करीब हो, सबसे बड़ा सम्मान हो, वो कौन सा है और कितने सम्मान अभी तक मिले हैं ये भी जानना चाहेंगे। जी, मैं बता दूं कि मैं बलिया जिले में था, सबसे पहला सम्मान शिव मंगल सिंह सम्मान था। और ये बता दूं कि ये साहित्यकार के रूप में नहीं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदान किया गया था और ये सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी द्वारा प्रदान किया गया था। और इसकी मैं पटकथा भी मैं बताता हूँ कैसे मिला, कि वहाँ पर एक ट्रस्ट था और शिव मंगल सिंह श्री चौधरी चरण सिंह, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के जमाने के जो है नेता थे और बहुत ही ईमानदार कर्मठ थे, उनके नाम पर ट्रस्ट बना हुआ था। वह ट्रस्ट क्या करता था कि हर वर्ष जिले के दो ऐसे अधिकारियों का चयन करता था जो कर्मठ, लोकप्रिय, निष्पक्ष और ईमानदार, उनकी सिर्फ सीधी सीधी कसौटी थी। तो वर्ष 1995-94 में मैं गया था, 94 में पोस्टिंग हुई थी, तो 95 के लिए उस कमेटी ने मेरा चयन किया था।
फिर कमेटी बैठी और कमेटी ने ये कहा कि इस लड़के के समकक्ष कोई दूसरा अधिकारी नहीं आ रहा है, तो उस वर्ष सिर्फ मेरा ही चयन हुआ। और फिर जब मुझसे पूछा गया कि मतलब जो है चयन जब हुआ तो मुझे बड़ी आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। और कमेटी ने चंद्रशेखर जी के माध्यम से, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के माध्यम से मुझको सम्मान दिलवाया। मैं उसको आज भी अपना नोबेल प्राइज मानता हूँ, नोबेल पुरस्कार। उन्होंने स्वयं कहा कि अखिलेश आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं जब भी आता हूँ जनता आपके बारे में जो है बहुत ही सकारात्मक ढंग से अपनी प्रतिक्रिया कहती है, आप बहुत ही जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, मुझे आपको सम्मान देते हुए बड़ा गर्व हो रहा। उन्होंने माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर, उन्होंने जो है साल पहनाकर जो किया उससे मैं बहुत भावाभिभूत हुआ। और उसने हमेशा प्रेरणा दी कि अखिलेश आप अगर जो राज करना है तो जनता के दिलों में राज करो जी। तो उसके कारण जो है मुझको साहित्य, समाज सेवा और विभाग में लगभग अब तक जो है 165 के आसपास सम्मान मिले हैं। अभी मेरा गिरगिट कहानी संग्रह जो 2015 में प्रकाशित हुई थी, तो उसका जिसका 4 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, कन्नड़ भाषा में और असमिया, कन्नड़, बांग्ला और उड़िया भाषा में, तेलुगु भाषा में अनुवाद चल रहा है। अभी वर्ष 2020 में जो है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा मुझको 1,00,000 रुपए का डॉक्टर विद्या निवास मिश्र सम्मान से हमको सम्मानित किया गया है। कवि के रूप में भी सम्मान मिला है, कहानीकार के रूप में भी सम्मान मिला है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में मेरी पुस्तक ललित निबंध और डॉक्टर रघुवीर सिंह पर मुझको सम्मान मिला है 20,000 रुपए का, और उस पर जो है मुझको सम्मान। इस तरह मुझे मेरे करियर में मुझको उत्कृष्ट एवं दीर्घकालीन सेवाओं के लिए भी राष्ट्रपति का पुलिस पदक मिला है 2018 में। डीजीपी महोदय द्वारा हमको सम्मानित किया गया, विभागीय अनेक सम्मान मिले हैं, ये मेरा रहा है करियर जी। सम्मान तो आपको बहुत मिले हैं। ऐसा देखा जाता है कि कई अधिकारियों पे जांच बैठ जाती है लेकिन आपके ऊपर कभी जांच नहीं बैठी, आप दूसरों पे जांच करते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ये प्रश्न बहुत ही सार गर्भित है, क्योंकि दो तरह की चीजें हैं, कोई आपकी जांच करे या आप पहले जांच करें, खुद की जांच करें जी। मैं जो कोई कार्य करता हूं मैं खुद की जांच करता हूं, और मैं केवल ये नहीं नियमों की कसौटी पे जांच करता हूं और या आत्मा की कसौटी के पे जांच करता हूं। मैं खुद जब पाता हूं कि यह कार्य करना उचित है, नियमों के मुताबिक है, तभी मैं उस पर काम करता हूं, तो जांच तो मैं खुद करता हूं, लेकिन मैं खुद अपने आप जांच करता हूं, इसलिए दूसरे को जांच करने का मौका ही नहीं मिलता है। बिल्कुल। अगर बात करें आपके अपकमिंग साहित्य की, आने वाले साहित्य की, तो वो कौन सा है? बिल्कुल, ये प्रश्न है, मेरी 4 पुस्तकें निकल चुकी हैं, अभिलाषा छंदबद्ध कविताओं की संग्रह है, उत्तर देगा कौन नई कविता और व्यंग विधाओं का काव्य संग्रह है, गिरगिट हमारा कहानी संग्रह है, और ललित निबंध और डॉक्टर रघुवीर सिंह यह समीक्षात्मक ग्रंथ है। मेरा अभी गजल संग्रह प्रकाशित हो रहा है लोक भारती प्रकाशन का, जिसमें जो है 101 गजलें हैं। इसके साथ मेरा दूसरा कहानी संग्रह मेरा हक शीर्षक से है, जिसमें जो है कई समस्याओं को, समाज की समस्याओं को लिया है। और तीसरा मेरा अखिल दोहा सतसई है, मेरी एक पुस्तक जो है नशा पर भविष्य का आधार, नशा मुक्त भारत, इस पुस्तक की मैं लिख रहा हूँ, और इसकी पांडुलिपि जो है एनबीटी से बात हुई है, नेशनल बुक ट्रस्ट से दिल्ली से, तो मैं उसको भेजने का प्रयास करूँगा। कुछ पुस्तकें इसमें है, तो समाज सेवा, साहित्य सेवा पर मेरी पुस्तकें जो है, ये आगामी पुस्तकें जी। अभी तक के करियर की बात तो कर ली हमने, अगर कठिन समय की बात करें, आपके अभी तक के करियर में आपका कठिन समय आप कौन सा मानते हैं? कठिन समय मेरा जो आपका प्रश्न है, तो कठिन समय मेरा वर्ष 1999 में रहा, उस समय मेरा थोड़ा स्वास्थ्य उसका रहा, COCT रामपुर था, उसके कारण मुझको मेडिकल लेना पड़ा और लगभग जो है 100 दिन से ज़्यादा मेडिकल रहा। वो 2 वर्ष हमारे जो है जीवन के ज़्यादा वो रहे, और बिल्कुल आर पार का मामला था। और बाकी जहाँ भी मैं रहा हूँ प्रयास किया हूँ कि जीवन में
समस्याएं आती हैं और आती रहेंगी। पुलिस लाइफ में हमेशा संघर्ष है, पुलिस लाइफ में समस्याएं हैं, लेकिन पुलिस का शब्द अगर जो शब्द कहें, पुलिस शब्द तीन शब्दों से बना है, पू माने पुलकित, जो पुलकित हो कर रहे आदमी हमेशा जो है, और लिप्साहीन रहे और सक्रिय रहे। पुलिस पुलकित, लिप्साहीन और सक्रिय व्यक्ति ही सही अर्थों में पुलिस का जवान है, पुलिस अधिकारी है। यदि ये तीन तत्व उसके अंदर बने रहेंगे तो मैं समझता हूँ वो समस्याएं चुटकियों में हल हो जाएंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड से जुड़ा वो किस्सा जो कि आप बताना चाहेंगे, जो जनता को नहीं पता है लेकिन आपको पता है, आपके अधिकारियों को पता है, उस वक्त क्या सिचुएशन रही थी? पुलिस भर्ती बोर्ड का मैं फाउंडर मेंबर था। एक चीज अवश्य थी, कई मुद्दों पर काम होता था और उस समय पेपर सेटिंग की बात थी कि भाषा किस भाषा में जो है इसकी जो है आरक्षी और उपनिरीक्षक पद की जो है पेपर बनाए जाएं। तो इसमें सभी लोगों की राय ये थी कि हिंदी भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, दोनों में रहे, लेकिन मैंने कहा कि केवल हिंदी भाषा में रखा जाए, क्योंकि पुलिस का 80% से ज़्यादा काम, 90% काम जो है लगभग जो है हमारा ग्रामीण परिवेश में होता है, जहाँ पर जो है वहाँ की भाषा ब्रज भाषा, अवधी भाषा या भोजपुरी भाषा से सबका पड़ता है। तो इसमें ये रहे, तो कुछ लोगों को सदस्यता की हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो, हमने कहा नहीं, जिसको भी अगर जो पुलिस सेवा में आना हो वो हिंदी अवश्य सीखे। तो कहे कि ये अखिलेश आपका हिंदी प्रेम है, हमने कहा मान लीजिए इसको हिंदी प्रेम है, लेकिन हमारा समाज प्रेम भी है। अंततः पूरी कमेटी बात को ये हुई कि इसको जो है हिंदी भाषा में रखा जाए, यदि कोई शब्द कठिन है तो उसको जो है अंग्रेजी भाषा में कोष्ठक में जो है ब्रैकेट में उसका अर्थ दे दिया जाए। तो ये रही चीज़ें वहाँ रहीं। पुलिस भर्ती बोर्ड में सतर्कता विजिलेंस में भी मैंने ट्रैप के रूप में काम किया, और मैं और पूर्व जो डीजी रहे हैं वहाँ पर पीवी रामा शास्त्री साहब, जैसे 112 नंबर जो हेल्पलाइन है वहाँ पर भी जो हेल्पलाइन की स्थापना 2020 में की गई। और अभी भी बता दूँ, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी विभाग का रिश्वत लेते हुए रिश्वत की मांग करता है, तो मैंने अपना CUG खुद सरेंडर किया था, वो 9454404 1866 1866 मैंने अपना CUG सरेंडर किया था। वो हेल्पलाइन का आज भी CUG है, और आज की भी तारीख में यदि कहीं कोई रिश्वत मांगने की बात आती है इस CUG पर वो कोई आदमी कॉल करे ऑफिस टाइम पे, तो निश्चित रूप से उसको रिस्पांस मिलेगा। और इस CUG नंबर को हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया, मैं प्राइम चैनल के माध्यम से भी 1866 CUG को मैं कहना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी अधिकारी आपसे रिश्वत मांगे, आप निश्चित रूप से 1866 CUG पर आप कॉल करें, आपको रिस्पांस मिलेगा, और निश्चित रूप से रिश्वत के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है उस पर अंकुश लगेगा। आपके द्वारा शुरू किए गए कोई ऐसे कार्य जिसने एक बड़ा बदलाव लाया हो? किस क्षेत्र में और कहाँ की बात आप करना चाह रही हैं? पुलिस सर्विसेज में मैंने जहाँ भी रहा है प्रयास किया है कि वहाँ क्षेत्र में है, जैसे पुलिस भर्ती बोर्ड में भी काफ़ी नियम और सिस्टम बनाया गया, हम लोगों ने तत्कालीन अधिकारियों ने मिलकर हम लोगों ने पूर्व DG श्री VC गोयल साहब के तत्वावधान में हम लोगों ने काम किया, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए जिससे एक पारदर्शी सिस्टम बने, नियुक्ति का, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन का सिस्टम बने, और जो है बना भी। और जिससे एक ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि उससे अब कम से कम हर कैडर का, अराजपत्रित कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन हो पा रहा है और नियुक्तियां भी हो पा रही हैं, बहुत से रोजगार लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा पा रहा है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसी तरह मैं जहाँ भी रहा हूँ प्रयास यहाँ सहकारिता में भी है, मैंने काफ़ी कई नए सुधार किए हैं, सिस्टम को सुधारने की कोशिश की। मेरा मानना है कि आप केवल रूटीन वर्क को ना करें, ये सोचा जाए कि कैसे जो है यहाँ सिस्टम में सुधार हो, तो निश्चित रूप से सिस्टम में सुधार होगा। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आम जनता और पुलिस अधिकारियों के बीच में संवादहीनता दूर होनी पड़ेगी, साथ ही पुलिस कर्मचारी और अधिकारी के बीच में सिस्टम संवादहीनता दूर, कम्युनिकेशन गैप हो। मैं जहाँ भी रहा हूँ हर महीने पुलिस
कर्मचारी सम्मेलन करता हूँ। कर्मचारी सम्मेलन में उनकी समस्याएं जो आती है सीधे सुनता हूँ और प्रयास करता हूँ जो अच्छे वर्कर हैं उनको प्रोत्साहित करके प्रशस्ति पत्र भी देता हूँ, उनसे सुझाव भी मांगता हूँ। ऐसा नहीं है कि केवल मैं सोचता हूँ दिमाग में मैं ही अच्छा सोच रहा हूँ, हमारे कर्मचारी वो अच्छा और समय समय पर व्यवहारिक सुझाव देते हैं जिससे हमें आगे को प्लान करने में योजना बनाने में बड़ी आसानी मिलती है। आप यहाँ तक पहुँचे ये बहुत से लोगों का सपना होता है, आज का यूथ भी यहाँ तक पहुँचना चाहता है, कड़ी मेहनत करता है। हाँ। उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कौन सी ऐसी ट्रिक बताना चाहेंगे या फिर मूल मंत्र बताना चाहेंगे जिससे वो ये सफलता हासिल कर सके, और आपने जो ये पद हासिल किया है इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं? अगर जो मैं इसको जो प्रश्न किया है इसको मैं एक गजल के रूप में, सुरचित गजल है वो सुनेंगे तो एक मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी, मौत सम्मुख यदि खड़ी है हार वह भी जाएगी, राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी, राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी, आज पतझड़ है अगर तो ऋतु सुहानी आएगी, और आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो। देखिए दिवाली के मौसम में देखिए एक छोटा सा माटी का दीप बड़े से बड़े अंधकार को दूर करने में है। तो हम लोग सभी माटी के दिए हैं, छोटे छोटे दिए हैं, तो यह मेरा मानना है कि आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो, बांसुरी बन जिंदगी खुद गीत प्रतिपल गाएगी। और जीवन का मूल मंत्र दे रहा हूं मैं कि हर व्यक्ति तनाव में है, टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य जाति को दो चीज दी है, दो वरदान, एक हंसने मुस्कुराने का और दूसरा जब मौका मिले दूसरे की तारीफ करने का, तालियां बजाकर उसका उत्साह वर्धन कीजिए। तो उसको मैं इस शेर में जो है आपको व्यक्त कर रहा हूं कि हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो, हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो, रोते रोते जिंदगी खुद बोझ बन तड़पाएगी। और एक शेर मक्ते का शेर है कि साहसी बन जिंदगी को ऐ अखिल जीना सदा, साहसी बन जिंदगी को ऐ अखिल जीना सदा, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख यद खड़ी है हार वह भी जाएगी, मौत सम्मुख यद खड़ी है हार वह भी जाएगी। बहुत खूब, बहुत अच्छा मंत्र दिया है और अच्छी पंक्तियों के जरिए। आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी कहानी से इंस्पायर होंगे और आपका जितना भी अभी तक का कार्यकाल रहा है उससे इंस्पायर होकर देश के लिए, जनता के लिए अपने स्तर पर काम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने जीवन से जुड़ी इतनी प्रेरणादायक कहानी बताने के लिए। आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में DIG अखिलेश निगम अखिल जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने जीवन की कहानी बताई है, साथ ही साथ दर्शकों को एक अहम मैसेज भी दिया है कि कैसे अपनी कठिन समय में भी मुस्कुरा के वो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। मैं भी प्राइम टीवी के सभी दर्शकों का सादर नमन करता हूं और टीम का हार्दिक आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे शख्सियत इसके लिए चुना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, MX प्लेयर के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच साहस और सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका,
आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों का। जम्मू कश्मीर में आए दिन कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं के बाद मजबूरन पलायन को लेकर आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के कैसरबाग के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। लगातार हो रहे हिंसा पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किया गया है कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमलों को लेकर के। कैसरबाग के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। भारी मात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे और उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचार, उनके लगातार जिस तरह की घटनाएं कश्मीरी पंडितों पर हो रही है, उनकी हत्याएं की जा रही है, उसके लिए विरोध प्रदर्शन किया गया है। संवाददाता विभांशु उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आम आदमी पार्टी ने किस तरह का प्रदर्शन किया है कश्मीर में हो रहे दंगों पर? जी सिसला, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज लखनऊ के जिलाधिकारी कार्यालय के पास भारी संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है और कश्मीर में हो रहे जो कश्मीरी पंडित और जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को से सवाल पूछते हुए सरकार पर सवाल के घेरे खड़ा किया है। आपको बताएं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है उनके द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और भाजपा सरकार, उनका आरोप लगा है कि भाजपा सरकार के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां कहा जा रहा था कि कश्मीर से 370-35A हटने के बाद शांति अमन चयन आएगा, मगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तरफ से सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगाकर सवाल पूछते हुए कहा गया कि आखिर क्या अमन चयन आया 370 हटने के बाद। वही आपको बताएं कि कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं को शिकार बनाकर हत्या की जा रही है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट सख्त कार्रवाई करे, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया। इसमें अगर देखा जाए पिछला तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और जब उनका धीरे धीरे ये जो प्रदर्शन था वो उग्र होते गया तो पुलिस वहां डिप्लॉय करके गए, पूरे प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कहा जा रहा था कि कश्मीर के अंदर में जमीन खरीदना और कश्मीर को जो देखा जाए तो सभी रियासतों को एक जोड़ कर जो भारत का निर्माण हुआ था उसमें कश्मीर को अभिन्न हिस्सा के तौर पे गिना जाता था, तो 35A और 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कश्मीर में अब अमन चयन होगा, उसको लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही थी। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने पिछला देखा कि कश्मीर से अभी भी पलायन कहीं ना कहीं रुके नहीं है, पलायन का जो स्तर था उसमें गिरावट भी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा है कि आप इस पे रोकथाम करें और लगाम लगाएं, जिससे जो कश्मीर है वो भारत का जो अभिन्न हिस्सा के बाद अब उसका हिस्सा गिरा जाता है, तो वहां पे भी आम जो राज्य है वैसे ही वहां भी कानून का स्थापित हो सके, कानून का लोग पालन करे। तो और इन्हीं सब चीजों को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया। देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रदर्शन के द्वारा सरकार इस पर क्या सोचती है। जी इस्लाम, आपका धन्यवाद विभांशु। वह
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद और लखनऊ हाई कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी है। कोर्ट ने 19,000 पदों में आरक्षित वर्ग के 7800 सीटों दिए जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति हो, इसी के साथ गैर विज्ञापित रिक्तियों को न भरा जाए। इस मामले में 6 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य सचिव और प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव पेश होंगे। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC को 27% की जगह पे 3.6%, वहीं SC वर्ग को 21% की जगह पे 16.6% आरक्षण देकर के सरकार हाई कोर्ट लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच में बुरी तरीके से फंस गई है। इसी से निजात पाने के लिए सरकार ने 5 जनवरी 2022 को 6800 की चयन सूची या कहते हुए जारी की कि इसमें आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। वहीं पर हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि आरक्षण नियमों की अनदेखी करते हुए सरकार ने लगभग 19,000 मेधावी अभ्यर्थियों का आरक्षित वर्ग के गला घोटा। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। दोनों अपराधी लूट और गोकशी की घटनाओं में वांछित हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है। मौके से बदमाशों का एक साथी फरार हो गया है। बता दें कि मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। ये थाना मोड़ा पांडे क्षेत्र में सिरसखेड़ा गांव पड़ता है, उसके पास आउटर में आज सुबह हमारी जो पुलिस पार्टी वहाँ से जा रही थी, कहीं चेकिंग हो रही थी चौराहे पर, तो सामने से आते हुए 2 बदमाश पुलिस को देखे भागे। पुलिस ने उनको रोका, उनका पीछा किया तो आगे खेत की तरफ जाके मुड़ गए। जब वो पुलिस उनके पीछे गई तो मोटरसाइकिल उनकी जो गिर गई वहाँ पर, उसी वक्त उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर से पुलिस की जवाबी फायरिंग हुई है, जिसमें ये 3 बदमाश थे, उसमें से 2 बदमाश इंजर्ड हुए, एक मौके से फरार हो गए। एटीएम एडिशनल SP धनंजय सिंह कुशवाहा को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ज्ञापन सौंपा। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने एक TV चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को BJP प्रवक्ता नुपुर शर्मा, जो टाइम्स नाउ इंडिया चैनल है, उस पर डिबीट में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ आयशा के खिलाफ जो टिप्पणी उनने गलत करी है, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई मुकदमा दर्ज करा कर कराना चाहते हैं और उन्हें जेल भिजवाने के लिए हमारी मस्जिद के सभी इमाम ज़्यादातर आए हैं, हाजी लोग हैं। हमें एटा जनपद के आला अधिकारियों पर पूरा भरोसा, कानूनी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज करके और जेल भिजवाने का काम करेंगे। सिद्धार्थनगर से एक भ्रष्टाचार कार की खबर सामने आई है, जहां 10 मई को इसी गांव में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक जय प्रताप सिंह ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर का शिलान्यास किया था। आपको बता दें कि बलुआ गांव के अमृत सरोवर योजना में मशीन लगाकर काम करवाया जा रहा है, जिससे मनरेगा मजदूर काफी परेशान भी है। ये प्रकरण आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया जा रहा है, हम वहाँ जाँच अभी भेज रहे हैं टीम को, अगर कोई ऐसी बात होगी तो इस संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई ढिलाई या गलतियाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।